छोटी सी रेसिपी आप लोगों के लिए, नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोग ट्राई कीजिएगा और देखिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे ईद के दिन, आज ईद का दिन है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगी बीफ का नमकीन गोश्त कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने 4.5 किलो गोश्त ले लिए और बीफ साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, छोटी छोटी बोटियाँ भी बना ली हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, धो के साफ़ करके रख लिया है। अब हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में न्यू डिशेस बनाते हैं। मैंने व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं था, घर में मेहमान काफ़ी थे तो व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर सकी। इसलिए अब से आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ लेके आऊँगी इंशाल्लाह। चले चलते हैं। अब हमने धो के रख लिया, इसमें अब नमक डाल लेंगे जितना आपको ज़रूरत होगा, ज़रूरत है उतना नमक डाल के। अब इसको हम गलने के लिए रख देते हैं, 15 से 20 मिनट इसको गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि जो सख्त गोश्त होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है और ये बहुत ही नरम गोश्त है और सही अच्छे वाला गोश्त है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए हम भी थोड़ा टाइम रखेंगे इसको कि ये जल्दी जल्दी गल जाए, फिर उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तब के लिए वेट, ये वेट हमने रख दिया, अब 20 मिनट बाद हम वेट खोलेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे दो गोश्त जो है बिल्कुल गल चुके हैं और तैयार हो गए और पानी भी बिल्कुल सूख चुके हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा और यमी करने के लिए, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टीस्पून हम इसमें वो डाल लेते हैं दही, क्योंकि टेस्ट और भी मज़े का हो जाए। थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए सिर्फ 2 चम्मच दही के ऐड कर लेते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा दही डालने से। उसके बाद हम थोड़ा सा, अगर तीखा भी आप करना चाहें, थोड़ा सा मज़ेदार करना चाहें, तो 2 से 3 सबज़ मिर्चें कूटी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला, 2 से थोड़ा सा ही जो सूखा धनिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। हम थोड़ी देर इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी देर इसको मिक्स होने, थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये जो है बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, बस हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई करने से ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा तीखा नहीं खाते, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी उम्मीद करते हैं। चलिए अभी थोड़ी इसका फ्राई करके फिर आगे चलते हैं। ये हमारी छोटी सी रेसिपी तैयार हो चुकी है नमकीन गोश्त की। उम्मीद है आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और कुछ रिश्तेदार हैं ईद के दिनों में उनको भी खिलाएं जो आपके घर मेहमान आएंगे। उम्मीद है सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर की है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और मेरे आगे भी बहुत मज़े के व्लॉग आप तक आएंगे और आपको पसंद आएंगे उम्मीद करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।